हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो रात का टाइम है, रात के टाइम से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्या हो गया था कि गाय के लिए एक रोटी रखी थी, तो वो दादाजी आए थे लेकिन मैं लेट हो गई थी, मैं ऑफिस चली गई तो रह गया था। सो उसे मैं पॉलीथिन में रख रही थी ताकि मुझे सुबह याद रहे देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ना टिंडोरी की सब्ज़ी रखी थी, दो दिन से ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने उसको क्या किया कि आज ना बहुत दिन से हो रहा था बनाना है लेकिन रह ही जा रहा था, एंड नहीं तो फिर सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है। सो इसलिए मैंने सोचा कि उसे पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लिया मैंने, एंड यहाँ पे ना कट करके रख रही हूँ। एंड क्या करती हूँ मैं, एक बाउल में पानी डाल के रख लेती हूँ वॉश करने के लिए, एक छोटा सा बाउल डस्टबिन टाइप में, तो उसमें जितना भी सब्ज़ी काटते हैं ना तो डायरेक्टली ना नीचे नहीं होता, गंदा नहीं होता। आप एक बाउल में रख लो, काट काट के उसका जितना भी कचरा है तो उसमें मतलब डाल दो, फिर बाद में आप पॉलीथिन में ईजिली रख सकते हो। सो यहाँ पर मैं ऐसा ही करती हूँ एंड कट कट करके रख रही थी। मैंने सोचा आज का ना जो डिनर है ना बहुत सिंपल बनाती हूँ, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए रोटी सब्जी ही बना लिया मैंने। सो ये जो है इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में है, बिना प्याज लहसुन की सब्जी है, नवरात्रि चल रहा है तो स्पेशली बिना प्याज लहसुन की सब्जी है। ऑलरेडी हम लोग वैसे भी बिना प्याज लहसुन की ही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सो यही है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने तेल गरम हो गया, राई जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया है बस, और कुछ नहीं डालूँगी। जो हमारी सब्जी थी पानी से धो लिया था मैंने उसको अच्छी तरह से, उसको डाल दूँगी। एंड ना साथ साथ में ना जो चीज़ें प्लेट व्लेट गंदी होती है ना उसको साथ साथ में रखती ही जाती हूँ, ताकि ना बाद में ना मुझे ज़्यादा काम ना हो, किचन थोड़ा साफ रहे। छोटा किचन है, पूरी चीज़ें अगर मैं फैला के काम करूँगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपली नेचुरल लाइफ आर जे ब्लॉग्स में। सो गाइस कैसे हम सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी हो रहा है रात का टाइम, 10:30 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ तिंदूरी की सब्ज़ी। सो बहुत दिन से रखी थी, मतलब दो दिन हो गए उसको रखे रखे, ख़राब हो जाएगी नहीं तो। सब्जियाँ जितना जल्दी हो सके ना उतनी ताज़ी बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पर ना सारे कपड़े और रखे हैं, मैं पानी भी भर रही हूँ, साथ साथ में सब्ज़ी बन रही है, पानी बना है और कपड़े जमाना है मुझे रात में। अभी मैं 9:30 बजे आई थी, लेट हो गया आज, तो पानी भर रही हूँ, पाइप लगाया मैंने ड्रम में, पानी भर रहे हैं। यहाँ पे एक साइड सब्जी उठ जा रही है, अब फिर पानी होने के बाद मैं कपड़े जमा लूँगी, देख लेती ड्रम कितना भर। कपड़े पूरे फैले हैं, कपड़े पूरे जमाने हैं मुझे, तो चलो फटाफट से कपड़े जमा लेती हूँ। हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना है। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं थोड़ी देर से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी मेरे मतलब ऑफिस से आने के बाद सुबह मैंने कपड़े वॉश करके जाती हूँ, तो वो कपड़े मुझे जैसे फोल्ड करने रहते हैं और जमाना रहता है। जो कपड़े थोड़े बहुत गीले रहते हैं ना मैं पलंग के ऊपर ऐसे डाल देती हूँ ताकि वो ना सूख जाएंगे, पंखा चालू करूँगी ना तो पंखे के थ्रू वो सूख जाते हैं। तो मैं जमा के रख रही थी जो कपड़े सूख गए थे, जो थोड़े नहीं सूखे थे तो उसे पलंग के ऊपर रख रही थी ताकि वो सूख जाएंगे। एंड रात में मेरा डेली का रूटीन यही होता है गाइस। उसके बाद यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो गए, अब मैं इसको रख दूँगी। यहाँ पे ना पता पर्दा लगाना है मुझे लेकिन रह ही जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे रख दे, क्योंकि पूरा खुला खुला ना अच्छा नहीं लगता दिखने में। एंड यहाँ पे अब थोड़ा क्लीन हो गया ना तो बैठने में मज़ा आता है, मतलब सुकून मिलता है। घर ना क्लीन रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर पंखे की हवा ली, एंड उसके बाद किचन में आ गई और सब्जी तो मेरी बन चुकी थी। आटा वाला डब्बा जो था उसे साफ़ करना था, क्योंकि आटा यहाँ पे पिसा के लेकर आए थे तो फिर डालना रह रहा था, दो दिन हो गए उसको भी डालते डालते लेकिन रह ही जा रहा था। तो मैंने इसको डब्बे को डाला, आटे को डब्बे में डाला एंड यहाँ पर रख दिया, पॉलीथीन है तो डस्टबिन में डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे आटे को रख दूँगी अच्छी तरह से, उस पर जितना मुझे रोटी बनाना उसके अकॉर्डिंग आटा निकाल लूँगी। एंड ऐसा पता है आपको क्या हो गया था कि पतिदेव ना क्या हो गया था, चिढ़ा रहे थे मुझे, मम्मी ने ना बनाया था साबूदाना के बड़े, तो ये मुझे आके बोले थे कि तू बना नहीं सकती ऐसा है वैसा, मतलब बोल रहे थे ऐसे, मजाक कर रहे थे। तो मैं बोली अगर मम्मी कभी फ़ोन लगाओगे ना ऐसा बोलोगे ना, मैं बोली थी मम्मी कितना गुस्सा होंगी। तो हम लोग ऐसी बातें छेड़ रहे थे, पतिदेव ऐसे शिकायत कर रहे थे, मजाक कर रहे थे मतलब मम्मी से, सासू माँ से। सो वही सब बातें हम लोग ने किया,
एंड यहाँ पे मेरा आटा देखो रेडी हो गया है। एंड उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। सो मॉर्निंग में केले के पराठे बनाने थे, जिसका ब्लॉग शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग देख लेना मेरे चैनल पे किस तरह से मैंने केले के पराठे बनाए थे। यहाँ पे केले को ना बॉईल कर दिया था एंड उसको ठंडा पानी थोड़ा डाल के रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो निकालना ताकि मुझे इजी हो इसके छिलके। फिर यहाँ पे चाय रख दी मैंने, एक साइड चाय हो गई थी और यहाँ पे केले के जो केले बॉईल किए थे उसको निकाल रही थी मैं। यहाँ पर निकाल लूँगी अच्छी तरह से, फिर इसके पराठे बनाऊँगी। सो यही मेरे ब्लॉग में है गाइस। पता है आपको केले के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।